अभी 2021 और 2022 के अंदर जितने भी फोन आ रहे हैं, इन फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है उसका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिलता। और उसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि कुछ फोन में एक प्राइस सेगमेंट के अंदर इससे पहले बहुत सारा फीचर मिलता था, बट अभी उतना फीचर नहीं मिलता है। तो इसके पीछे भी प्रोसेसर का ही हाथ है। और जो कुछ भी बताऊंगा, इन सभी चीज़ों के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न प्रोसेसर कंपनी और दूसरा रीज़न है स्मार्टफोन कंपनी। तो सबसे पहले अगर प्रोसेसर कंपनी की बात करें तो प्रोसेसर कंपनीज अपने प्रोसेसर के अंदर बहुत सारा घोटाला कर रही है। अब ये हो सकता है कि अभी चिप शॉर्टेज चल रहा है, वो भी रीजन हो सकता है। तो प्रोसेसर कंपनी अभी के टाइम पर अपने प्रोसेसर में से कुछ फीचर को गायब कर रही है, और अगर वो सब फीचर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो एक बहुत ही फेमस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 695, और ये प्रोसेसर रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में लगा हुआ है। रियलमी के कुछ एक फ़ोन में लगा है, लेटेस्ट फ़ोन पोको के फ़ोन में लगा है। तो हाँ, एक बहुत ही फेमस प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर में एक फीचर मिसिंग है जो बहुत ही कॉमन था इससे पहले, 4K रिकॉर्डिंग, और उसके साथ 1080p 60fps रिकॉर्डिंग। अभी आप लोग याद करो, 2-3 साल पहले 12,000 15,000 रेंज के फ़ोन में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता था। 60fps तो मिलता ही मिलता था, 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता था। अभी के टाइम पर प्रोसेसर कंपनी अपने प्रोसेसर में से एक प्राइस सेगमेंट पर नहीं दे रही है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा फीचर है जो अभी के टाइम पर कुछ फ़ोन अंडर 20,000 अंडर 25,000 में भी आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, मीडियाटेक का मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 सीरीज। इसमें दो प्रोसेसर है, 800 और 810, और दोनों प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन एकदम लगभग सेम है, बट आपको 800 वाला प्रोसेसर मिलता है 20-25,000 रेंज के फोन्स पर, वहीं पर 810 वाला प्रोसेसर मिलता है 30,000 के रेंज पर। अब ये प्राइस गैप हुआ क्यों? क्योंकि प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन तो लगभग सेम है, बट यहाँ पर जो चेंज है वो है फ्रीक्वेंसी और क्लॉक स्पीड का। 810 में 800 से ज़्यादा क्लॉक स्पीड और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलता है, और इसी वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाता है 810 के अंदर, और उसी वजह से स्मार्टफोन कंपनीज ज़्यादा पे करना पड़ता है उन सब प्रोसेसर के लिए जिनमें ज़्यादा फीचर है, ज़्यादा क्लॉक स्पीड है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। कुछ हद तक इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करेगा, आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपके फ़ोन को आप रूट करते हो और जो प्रोसेसर अभी है उसका जो क्लॉक स्पीड है उसको एनहांस करते हो, ओवर क्लॉक कर देते हो, तो आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस अभी आप पा रहे हो उससे 4x 5x तक परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। बट इससे एक डिसएडवांटेज है कि प्रोसेसर ज़्यादा हीट होता है तो खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो कंपनी ऐसा नहीं करती इसी वजह से कि ओवरहीट ना हो, नहीं तो तुम लोग ही बोलोगे कि फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है, बट कंपनियाँ इसके एकदम ऑपोजिट करती है। मतलब प्रोसेसर से जितना परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कम परफॉर्मेंस आपको मिलता है। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एंतुतु बेंचमार्क तो बहुत ज़्यादा आ रहा है बट उसका परफॉर्मेंस उतना नहीं मिल रहा जितना एंतुतु बेंचमार्क आ रहा है, और इसके पीछे भी रीज़न है। जैसे सैमसंग का एक बहुत ही लेटेस्ट फोन सैमसंग गैलेक्सी S22, उसमें लगा है स्नैपड्रैगन का स्नैपड्रैगन 8th Gen 1 प्रोसेसर जो बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवरहीट करता है। इसका ओवरहीटिंग रोकने के लिए एक बहुत ही तगड़ा वाला कूलिंग सिस्टम चाहिए। अब यहाँ पर ज़्यादा बेहतर कूलिंग सिस्टम लगाने की वजह से फ़ोन हो सकता है कि थोड़ा सा बल्की हो जाए, मोटा हो जाए, और हम लोग फ़ोन खरीदने के टाइम लुक को भी थोड़ा बहुत प्रीफरेंस देते हैं, और यही रीज़न है कि सैमसंग अपने सैमसंग S22 का जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8th Gen 1 उसको अंडर क्लॉक किया है जिससे ओवरहीट कम हो। कूलिंग सिस्टम तो दिया हुआ है फ़ोन के अंदर बट जितना चाहिए उस प्रोसेसर के लिए उतना नहीं है, और इसी वजह से अंडर क्लॉक कर दिया ताकि उसके हिसाब से कूलिंग सिस्टम दे सके और लुक भी बरकरार रहे, और यही एक रीज़न नहीं है। उसके अलावा प्रोसेसर का जितना एफिशिएंसी है उसके एफिशिएंसी के हिसाब से फ़ोन में जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स है वो फिट नहीं बैठ रहा, इसी वजह से भी उसको अंडर क्लॉक किया है कंपनी, और इसीलिए आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। अब अगर अंतुतु बेंचमार्क की बात करें तो वहाँ पर तो स्कोर बहुत ही ज़्यादा है, बट इसके पीछे भी एक लोचा है। एंड्रॉइड पुलिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्विटर में मिल जाएगा इनका अकाउंट, ये सैमसंग S22 के अंदर इंतुतु बेंचमार्क एप्लीकेशन को रन किए और उसके बाद जो स्कोर आया वो तो बहुत बेहतर था, उस प्रोसेसर के हिसाब से ठीक ही था, बट उसके बाद इन लोगों ने किया क्या कि जो बेंचमार्क एप्लीकेशन है उसका नाम चेंज कर दिया, और देन जब उसको टेस्ट किया तो स्कोर बहुत ही कम आया, इससे पहले जितना आया था उससे बहुत ही कम है। तो इससे ये साबित होता है कि बेंचमार्क एप्लीकेशंस के लिए कंपनीज अपने प्रोसेसर को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करती है, और बाकी जितने भी टास्क है डे टू डे डेली लाइफ में जितने भी आप काम करते हो या फिर पबजी खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, BGMI खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो उन सभी एप्लीकेशंस के लिए भी अंडर क्लॉक किया रहता है आपका प्रोसेसर, और इसी वजह से कभी कभी आपको परफॉर्मेंस जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो हाँ, यही दो रीज़न है जिन दोनों रीज़न की वजह से आपके प्रोसेसर के अंदर फीचर कम है अभी के टाइम पर, और जितना परफॉर्मेंस मिलना चाहिए उतना परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रहा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी फ़ोन्स के अंदर ऐसा होता ही है, कुछ फ़ोन है जिनमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वैसा ही मिलता है, बट ज़्यादातर फ़ोन में ही आपको ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिले। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।